आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद के बजट अधिवेशन से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कल प्रदेश के सभी जिलों में टीकाकरण बूथ पर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी और मौसम विभाग ने सागर, जबलपुर, होशंगाबाद और शहडोल संभागों में अगले 24 घंटों में शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम के अगले अंक में कल दिन के 11 बजे श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस वर्ष का मन की बात का पहला कार्यक्रम होगा और इसका 40वां अंक। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और डीडी न्यूज के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद संबंधित केंद्रों से क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम को रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद के बजट अधिवेशन से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। श्रीमती महाजन सभी दलों के सदन के नेताओं से कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में उनका सहयोग मांगेंगी। सरकार ने भी कल संबंधित मुद्दों पर शीर्ष नेताओं के विचार जानने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का बजट सत्र का पहला भाग सोमवार से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होगा। बृहस्पतिवार को बजट पेश किया जाएगा। सत्र के दौरान सरकार 3 तलाक विधेयक और पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने संबंधी विधेयक को पारित कराने के लिए फिर से पहल करेंगी। सत्र 9 तारीख तक चलेगा। करीब 1 महीने के अंतराल के बाद सत्र का दूसरा भाग 5 मार्च को शुरू होगा, जो 6 अप्रैल तक चलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य भारत में व्यापार के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है। श्री जेटली आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस पर समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के अधिकारियों से कहा कि कर देने से बचने के मामलों की जांच प्रक्रिया में उन्हें बहुत कुशल होना होगा। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे समय और धन की बचत तथा व्यवस्था में कुशलता लाने के लिए काम करें। इस अवसर पर श्री जेटली ने केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के ICA ट्रैक ऐप की शुरुआत की। लोग इस ऐप पर विदेश से आने वाले अपने माल की स्थिति जान सकेंगे। अशोकनगर जिले की मुंगावली विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की गतिविधियां तेज हो गई हैं। कल चुनाव में कार्य करने वाले पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। वहीं आज कलेक्टर कार्यालय में मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया गया। कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे को कथित तौर पर ब्लैकमेल करने के मामले में एक आरोपी विक्रमजीत सिंह की ओर से सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में आरोपी विक्रमजीत सिंह ने कहा है कि युवती के विधायक हेमंत कटारे से संबंध थे। विक्रमजीत ने यह भी कहा कि उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है। आरोपी विक्रमजीत सिंह की पुलिस तलाश कर रही है। गौरतलब है कि विधायक कटारे ने भोपाल पुलिस को एक आवेदन देकर आरोप लगाया था कि एक लड़की उन्हें झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देकर 2 करोड़ रुपयों की मांग कर रही है। इस मामले में विक्रमजीत सिंह नाम का व्यक्ति उसकी मदद कर रहा है। अपराध शाखा ने इस शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। प्रदेश में विपक्ष के नेता अजय सिंह ने कहा है कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा और कमजोर वर्गों को न्याय मिले, इसके लिए प्रदेश में इस बार जनता परिवर्तन करे और कांग्रेस की सरकार बनाए। श्री सिंह आज उमरिया जिले के ग्राम बिजौरी और शहडोल जिले के ग्राम करकी में किसान मजदूर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
पोलियो उन्मूलन के लिए कल से राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान शुरू होने जा रहा है। इसमें 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को पोलियो निरोधक दवा की 2 बूंद खुराक पिलाई जाएगी। 3 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में पहले दिन रविवार को पोलियो बूथ लगाए जाएंगे और इसके बाद दूसरे और तीसरे दिन घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। धार जिले में 3.5 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गुना जिले में 1400 टीकाकरण बूथ पर लगभग 2 लाख बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। वहीं खंडवा में आज पल्स पोलियो जनजागृति रैली निकाली गई। इंदौर समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में बच्चों से भरी स्कूल बस में हुए हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। अब स्कूली बस की हर सीट पर विद्यार्थियों के लिए 2-2 सीट बेल्ट लगाए जाएंगे। 4-व्हीलर में आगे की दोनों सीटों की तर्ज पर बस की हर सीट में ये व्यवस्था होगी। चालक के साथ ही बच्चों की सीट पर भी बेल्ट लगाया जाना है। स्कूल टाइमिंग पर बस में सवार होने के साथ ही बच्चों को सीट पर बैठाकर बेल्ट लगाया जाएगा और गंतव्य पर पहुंचने पर उसे खोला जाएगा। प्रदेश में सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के क्रियान्वयन के बाद इंदौर, मंदसौर और नीमच जिलों के 100% घरों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। राज्य शासन ने इन जिलों के 100% घरों का विद्युतीकरण निर्धारित समय से पहले पूरा होने पर संबंधित अधीक्षण यंत्री को प्रशस्ति पत्र जारी किए हैं। मध्यप्रदेश के पूर्व स्कूली शिक्षा और अनुसूचित जाति कल्याण राज्य मंत्री और कोलारस से पूर्व विधायक रहे पूरण सिंह बेड़िया का कल देर रात नई दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुरैना जिले के अंबाह के पास आज स्कूल बस को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 8 विद्यार्थी समेत 10 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को अंबाह के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक गंभीर रूप से घायल को ग्वालियर रेफर किया गया है। प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थस्थल महेश्वर में नर्मदा नदी तट पर कल से 2 दिवसीय निमाड़ उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन कल सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ निमाड़ उत्सव की शुरुआत होगी। वहीं 29 जनवरी को कवि सम्मेलन के साथ निमाड़ उत्सव का समापन होगा। आगामी 31 जनवरी को माघी पूर्णिमा के दिन वर्ष 2018 का पहला चंद्रग्रहण पड़ने जा रहा है। ये पूर्ण चंद्रग्रहण होगा, जिसे पूरे भारत समेत कई देशों में देखा जा सकेगा। मौसम, प्रदेश में ठंड एक बार फिर बढ़ गई है। मौसम विभाग ने सागर, जबलपुर, होशंगाबाद और शहडोल संभागों में कल शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश का सबसे कम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस छिंदवाड़ा, मंडला और मलौजखंड में दर्ज किया गया। आज राजधानी भोपाल का अधिकतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रात का तापमान 8 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सिंगरौली के बैढ़न थाना पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को 315 बोर देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। रायसेन जिला योजना समिति की बैठक में आज स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग, महिला बाल विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना और पेयजल योजनाओं की समीक्षा के साथ ही अनेक तत्कालिक विषयों पर विचार विमर्श हुआ और विस्तार से चर्चा की गई। टीकमगढ़ जिले में सूखा की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने जल संरक्षण के प्रयास शुरू कर दिए हैं और शिवपुरी जिले में 10 फरवरी को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद के बजट अधिवेशन से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कल प्रदेश के सभी जिलों में टीकाकरण बूथ पर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी और मौसम विभाग ने सागर, जबलपुर, होशंगाबाद और शहडोल संभागों में अगले 24 घंटों में शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।